अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैर खैरियत से होंगे। अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं। मास्टर केज में आया दोस्तों, माशाल्लाह हमारा जो थोड़ा पैर ढीला था वो भी अब बेहतर हो गया। अब देखें एक दूसरे से ये कैसे हेलो हाय कर रहे हैं। जी सारे के सारे यहाँ पर जमा होकर बैठे हैं। ये तो मुझे थे, ये अभी यहाँ पर आया। इंशाल्लाह जल्द ही सेल्फ हो जाएंगे। ग्रीन रिंगनेक पैरट्स की वजह से इन्होंने सही वाली रौनक लगाई हुई है दोस्तों। आपस में एक दूसरे का साउंड निकालते रहे। सन कनौर देखें, इनको एक बार खोला था वहाँ पर, लेकिन उन्होंने मौज मस्तियाँ ही नहीं की। अब ये बड़े ही परेशान है कि भाई हमें दोबारा खोला जाए, तो आज इनको शाम के वक्त वापस खोलेंगे दोस्तों उधर। तो ये देखेंगे इधर अजवा और हीर को भी हमने यहाँ पर खुला छोड़ा हुआ है दोस्तों। दोपहर में बाहर लो बड़ी चलती है, गर्मी बड़ी है, और आज इस केज की हमने सफाई कर कर इनको दोनों को यहाँ पर शिफ्ट कर दिया कि ये यहीं पर रहेंगे। रैबिट्स रह गए हैं तो अब ये केज हमारा खाली है। मुर्गियाँ बंद ही हैं, मुर्गियों को कम ही खोल रहे हैं दोस्तों। मुर्गियों को खोलेंगे, मुर्गियाँ बिछे करेंगी, तो अजवा और हीर जो है ये इनके लिए परेशानी बन सकती है। इधर येलो येलो पैरट्स को देखें दोस्तों, कैसे आपस में हेलो हाय कर रहे हैं। ये जो ये वाला है ये इसको लाइसोमेट सिरप दे रहे हैं, उससे इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा दोस्तों। दोपहर के 2 बजे सो गया था दोस्तों, अभी आँख खुली नहीं है, बल्कि अभी उठने का ही इरादा था। 5 बजे उठा तो कासिम देखे सारे जानवरों का एक एक शिफ्ट लगवा चुका है। माशाल्लाह बकरा हमारा, इसकी सेहत बनती जा रही है। आज फिर अपने नहीं खड़ा किधरे है, मैनू को घना ही मोटा लगी जाता है यार, मैनू को घना ही मोटा लगी जाता है। बकरियों की माशाल्लाह सारियों की ही हमारी सेहत जो है अल्हम्दुलिल्लाह, अजवा की सेहत अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सबसे ज़्यादा अच्छी है दोस्तों। गायें भी बाहर आ चुकी हैं, अंदर वाले बर्ड्स को संभालते हैं। और आज दोस्तों हमने गंदम खरीदी 50 मन गंदम, ठीक है 40 मन हमारे पास खुद की गंदम थी, 50 मन हमने मज़ीद खरीदी है। अब इंशाल्लाह पूरा साल घोड़ियों को परिंदों को हमें गंदम की कमी नहीं आएगी, ना खुद खाने को ना परिंदों को घोड़ियों को, हर चीज़ के लिए। पिछले साल हमने बड़ा ही आजमाइश का वक्त देखा, गंदम जो है बड़ी मुश्किलों से खरीद खरीद कर इस्तेमाल किए दोस्तों। इस साल भी गंदम का रेट अल्लाह करे ना ही बढ़े, लेकिन अब हमें टेंशन नहीं है बढ़े ना बढ़े, ठीक है हमारी ज़रूरत जो है आज पूरी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। अजवा और हीर जो है इन्होंने देखे मेरे यहाँ पर आते ही इन्होंने खूब सारा शोर मचाना होता है माशाल्लाह। पैरट देखे हमारे साथ सारे के सारे ये सेल्फ होने वाले हैं दोस्तों। ये काम देखे इनके सारे इकट्ठे हो गए माशाल्लाह। अजवा हीर का भी बाहर निकलने का मन कर रहा होगा। इधर हमारे पैरट देखे वाह माशाल्लाह, ये ग्रीन रिंगनेक पैरट्स जो है दोस्तों ये येलो पैरट्स को ट्रेन कर देंगे इंशाल्लाह। खाने पीने पर भी इनको ट्रेन कर देंगे, वैसे भी ट्रेन कर देंगे। देखें ये इनको भूख ही लगी हुई है, और ये पानी और इनके आगे देखें दाना और पानी रखा हुआ है। ये पानी के ऊपर बैठे हुए हैं, यहाँ पर इसके अंदर इनके लिए दाना है दोस्तों। खाओ खाओ पुत्र खाओ, असी अज तुम नहीं खुआना। इनका दरवाज़ा खोल दिया, कह लो भाई तुम निकलना चाहते जिते निकलो, लेकिन जब मैं दरवाज़ा खोल देता हूँ तब भी ये शर्माते हैं दोस्तों। पतलों ने दोस्तों सारे मुझे लगता है कि अपने अंडे इसने ख़राब कर लिए। देखें इसके अंडे वहाँ पर थे, वहाँ से उठाकर इसने अंडे अपने यहाँ पर गिराए हुए सारे ही। ऊपर भी कबूतरों के केज का दरवाज़ा खुला हुआ, कल फ्रील बैग कबूतरों ने एक अंडा उतारा हुआ था और इंडियन मादी का एक अंडा टूटा हुआ था। आज चेक करते हैं कि क्या अपडेट है दोस्तों, लग रहा है कि सब खैरियत ही हो। नहीं आज दूसरा अंडा भी तक इन्होंने नहीं उतारा, ये इंडियन लग के भी मुझे लगता है कि अंडों पर बैठे ही नहीं। कल जहाँ पर अंडा पड़ा था आज भी वहीं पर इनका अंडा पड़ा हुआ है। मेरा एक और दिल कर रहा है इस अंडे को उठाकर, वो ये वहाँ पर ही क्यों पड़ा हुआ है शायद ये, हाँ जी अंडा ही टूटा हुआ है दूसरा भी दोस्तों। गब्बर बदमाश को यहाँ पर बांधा हुआ था दोस्तों, इसको अभी अभी खोला है। यहाँ पर 2 आम गिरे पड़े, ये ले जाकर देखें ये परिंदों ने गिराए हैं, पता नहीं किसने गिराए हैं। एक ये गिरा पड़ा हुआ है, इनको ये किधर भी गिरा हुआ है, ये देखें 3-3 आम गिरे हुए पैरट्स को चलकर डाल देते हैं। उधर भी चेक करते हैं उसके नीचे हुए, इसके नीचे भी दोस्तों 4-5 अंबियाँ गिरी हुई हैं। आज दोस्तों उल्लू के बच्चे भी आपको दिखाएंगे,
काफी बड़े हो चुके होंगे, शायद उसके बाद हमें नजर ही ना आए। इसके काम देखे दोस्तों, काम देखे इसके, गोलू से मिलकर खेलना चाह रहा है गोलू से। उधर अब सपना को मिलने के लिए जाएगा। ना कबर, ना 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 कबर, कबर कबर, ना 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 कबर, ना। काम देखे इसके, काम देखे इसके, खेलना ये जो करेगा दोस्तों, अटैक नहीं करता, खेलता ही है ये। तीन दफा दोस्तों इसने डक्स पर अटैक किया, तीनों दफा मैंने छुड़ाया, फिर भागे होकर पकड़ लेता है। ये शुक्र है कि ये अटैक नहीं करता, बस सिर्फ खेलना चाहता है डक्स के साथ। इधर देखिए बकरियों को ये मिलना चाह रहा है, सारियों से हेलो हाय कर रहा है। आज इसको पता नहीं क्या हुआ हुआ है, इसमें जिन आए हुए गब्बर बदमाश वाले लगता है। मुझे सांस चढ़ गया, बड़ी मुश्किलों से इसको पकड़ा, फिर उनके बनी ना चला जावे। वो देखिए फिर से दोस्तों ये नहीं, नो नो देखिए, ओए ओए बबलू की दोस्तों, बबलू की टांग लगी है इसको। ओए उधर देखिए, अब गायों से डर रहा है ये। ओए वो देखिए, ये देखिए, ये अब देखिए सही पकड़, पकड़ ला, पकड़ ला, कहा से मैंने पकड़ ला, पकड़ पकड़ा, गाय रस्सा तोड़ा गई, गाय रस्सा तोड़ा गई, गाय रस्सा तोड़वा गई दोस्तों। ओए मोटू बाहर निकल गया, दरवाजा बंद कर दे, दरवाजा बंद कर दे, दरवाजा बंद कर दे, गाय रस्सा तोड़वा गई इसके चक्कर में दोस्तों। तो देखिए बाहर निकलने का भी सोच रहा है, इसको बांधना ही पड़ेगा दोस्तों। खेल खेल में खेलता है ये, मुझे पूरा यकीन है कि ये नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगर नुकसान पहुंचाना होता तो अभी तीन दफ़ा मेरे हाथ में से इसने डक को छीना, तो नुकसान पहुंचाना होता तो अभी पहुंचा देना था। सपना को भी मेरा ख्याल है फोन कर, इससे फ्रेंडशिप इसकी हो ही जानी चाहिए। नो नो नो, सपना के साथ मिल रहा है दोस्तों, स्मेल ले रहा है, फ्रेंडशिप हो गई है इसकी, पंगा तो किसी के साथ भी नहीं करता है। गब्बर की रस्सी आ गई, इसको यहाँ पर बांधने लगे हैं, तो अच्छी बात यह है कि इसकी सपना से भी दोस्ती हो गई है दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह। मछली दोस्तों हमारी एक बड़ी वाली जो सबसे पहले हम लेकर आए थे वो मछली मर गई है, इसको बाहर फेंकते हैं। आम भी लेकर आए हैं दोस्तों, आम भी पावी है ना, दो रू पा दे, दो उतलियां पा दे। सपना के काम देखें, घोलू से इसकी मस्तियाँ चल रही है दोस्तों, मुसलसल उनसे मस्तियाँ कर रही है। तो ये देखें बकरियों के लिए जंतर लगाया दोस्तों, माशाल्लाह बड़ी ही अच्छी इसकी ग्रोथ हुई है, थोड़े ही दिनों में ये थोड़ा और बड़ा हो जाएगा तो बकरियों के लिए हमारी मौज हो जाएगी। उल्लू सामने जाकर लसूड़े के दरख्त पर बैठ गया, उसके बच्चे यकीनन अभी यहीं पर होंगे और काफ़ी बड़े हो चुके होंगे दोस्तों। हाँ जी आवाज़ें आ रही हैं अंदर से, वाओ देखिए माशाल्लाह दोस्तों, उल्लू के बच्चे काफ़ी बड़े हो चुके हैं, थोड़े ही दिनों में इंशाल्लाह ये फ्लाइंग करने स्टार्ट कर देंगे। अभी मेरी आवाज़ सुनकर देखो गुस्सा भी कर रहे हैं, डर भी रहे हैं दोस्तों, इनको डर नाम का भी पता चल गया। तो खैर इनको हमने तंग नहीं करना, ना ही इनको बाहर निकालना, अब उल्लू जाने और ये जाने। ये कबूतरों का सभी का दाना डाल दिया दोस्तों, इनको बाहर ही दाना डाला है, लेकिन इनको कल से अंदर ही डाला करेंगे। बाहर डालने का इनको ये नुकसान है दोस्तों कि ये फिर दाना आधा ज़ाया करते हैं, अपना पसंदीदा दाना उठा लेते हैं, बाकी सारा ज़ाया कर देते हैं। सबसे ज़्यादा कबूतर देखें छतरी वाले कबूतरों के केज में ही हैं दोस्तों, ये भी सब दाना उठाने के लिए बाहर निकले हुए हैं, उधर चंद कबूतर ही हैं। उस केज को वैसे खाली भी किया जा सकता है। रेड लक्के पिजन्स भी दोस्तों दाना उठा रहे हैं, उनके बच्चे देखें चोग लेने के लिए दरवाजे में आकर बैठे हुए हैं कि सानू इत्थे ही चोग दे दियो। और इधर देखें फ्रिल बैक कबूतर जो है शराजी कबूतर के साथ मस्ती कर रहे हैं। टर्की बर्ड्स को भी घूमने फिरने के लिए आज़ाद कर दिया दोस्तों, इस वक्त इनको खुला लाजमी छोड़ते हैं हम। सूरजमुखी का बीज भी तकरीबन तैयार हो चुका है दोस्तों, ये तोड़कर आपको दिखाते हैं। ये देखिए ये सूरजमुखी है माशाल्लाह दोस्तों, अच्छा खासा। हमारी काजल की सेहत देखें दोस्तों, बिलाखिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें कामयाबी दी कि जो कमज़ोरियाँ हो गई थी घोड़ियाँ हमारी, हमने इनको बगैर पट्ठों के भी देखें सेट कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। जब पट्ठे होंगे तब परी भी काजल की तरह वेटर घोड़ी बनेगी इंशाल्लाह। इधर से राव साहब की साइकिल भी तशरीफ ला चुकी है। मोटरसाइकिल
गब्बर की सपना से दोस्ती हो गई है, लेकिन उसकी तरफ देखे देख रहा है, आजा मेरे नाल खेड़, आजा मेरे नाल खेड़, और सपना उसके करीब नहीं जा रही, बंधा हुआ है। राव साहब घर से आते हुए पैरट्स के लिए देखे लंगर लेकर आए हैं दोस्तों, तो ये पैरट्स को काट कर इनको सभी को डालते हैं थोड़ा थोड़ा। ये रहे दोस्तों पैरट्स के लिए लंगर तैयार हो चुका है। हेलो मिठू, चूरी खाओगे? देखें चूरी खाने के लिए देखे कैसे कैसे आए हुआ बड़े। ये कासिम गया ट्यूबवेल की तरफ दोस्तों, जो जमीन हमने प्लंटर की थी इसको पानी लगाना है जी। चौथे दिन इसको पानी लगना ज़रूरी होता है। इधर राव साहब अपने उजार लेकर यहाँ पर एक बेरी हमने काटी थी उसको प्योंद करने लगे हैं। अभी कोई अगर करना चाहूँ ये देखें दोस्तों, ये प्योंद इस तरीके से होती है, चीरा लगाकर उसके अंदर दूसरे जो जिस भी दरख्त की आपने प्योंद करनी है उसकी शाख इसके अंदर डालकर इसको शॉपर से बांध दिया जाता है ताकि इसको हवा ना लगे और यहाँ से ये फूट निकालेगी आगे बढ़ेगी तो ये प्योंद ही आगे बढ़ेगी जी। खेतों का राउंड लगाने आया हूँ, डायमंड भी मेरे साथ साथ आ गया। यहाँ पर देखे प्लांटर के साथ जो हमने कपास की बिजाई की थी, माशाल्लाह ये नरमा हमारा बहुत ही ज़बरदस्त इसका उगाई हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो वाला जो बिजाई किया उसने अभी फूट नहीं निकालनी शुरू हुई, वो भी जल्द ही फूट निकाल लेगा इंशाल्लाह। टर्की बर्ड्स को बंद करने लगे हैं, गब्बर देखिएगा दोस्तों इनको बंद होता हुआ देखकर इसका कितना बेसब्रा होगा। ये परिंदे ये देखिए इसका मन करता है कि बस मैं किसी को इस एरिया में ना आने दूँ। कोई देखा दोस्तों इस मुर्गे ने वाइट डक को क्रॉस किया, ये तो ये कुड़कपन ही अपना तोड़ जाएगी। उधर ट्यूबवेल चल चुका है दोस्तों हमारा, पानी भी उठा लिया उसने जी। फालसे के बूटों को चक्कर मार कर आते हैं दोस्तों, चेक करते हैं शायद हमें फालसा खाने को मिल जाए। फालसे के पकने का मुझे बड़ी बेसब्री से बड़ी बेताबी से इंतज़ार है। फालसा अभी पकने का मुझे लगता है कि अभी 4-5 दिन कोई इम्कान नहीं है दोस्तों, इस बार काफ़ी लेट हो गया। और इधर नरमा देखें, इस प्लांटर ज़मीन जो हमने ये एक एकड़ प्लांटर करवाई है अब ताज़ा, इसको आज पानी लगाना है। बूटा कहीं कहीं निकलना शुरू हो गया जाएगा। तो व्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुशियाँ बांटें, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।